दोस्तों, मैं हूँ सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बाकी अपने प्रोफेशनल सर्कल में, बिजनेस सर्कल में शेयर कीजिए। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के मैंने QR कोड शेयर किए, आप इनको स्कैन करके इन हैंडल्स पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते। अब दोस्तों, 54 GST काउंसिल मीटिंग के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं, चाहे वो एमनेस्टी स्कीम हो, चाहे वो ITC को बैकडेट से रेट्रोस्पेक्टिवली हमें क्लेम करना फॉर स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ईयर्स, या फिर मैं कहूँ RCM में जो भी चेंज है। अब RCM में जो चेंजेस आए हैं दोस्तों, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है मेटल स्क्रैप के केस में। मेटल स्क्रैप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अपनी इंडिया में, तो उन्हीं के रेस्पेक्ट में 10 अक्टूबर 2024 से काफ़ी सारे चेंजेस इफेक्टिव हो। क्या है ये चेंजेस, क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, तो आज ये डिटेल वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कब आप पे रिवर्स चार्ज लगेगा, कब आप पे TDS एप्लीकेबल होगा, कब आपको इनवॉइस रेज करना है, और कैसे अगर आपको TDS एप्लीकेबल हो तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान में रखना। और साथ ही में अगर आप नॉर्मली जनरल सर्च भी कर रहे हैं, अगर गूगल पे या कैसे भी, तो कहाँ पे सर्च करें ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके, ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब दोस्तों, जैसे कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, अभी भी जितने भी हमारे लेटेस्ट चेंजेस आए हैं वो सभी मैंने डिस्कस किए। सिमिलरली अब जब हम मेटल स्क्रैप की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे नोटिफिकेशंस आई हैं। नोटिफिकेशन को इजी तरीका, रास्ता याद करने का, 23, 24, 25 तीनों नोटिफिकेशन सेंट्रल टैक्सेस के आपके मेटल स्क्रैप को डील कर रही हैं। सिमिलरली जो सेंट्रल टैक्स की टैक्स रेट की है, वो नोटिफिकेशन नंबर 6 है, जो आपको बताती है कि RCM आ गया है। RCM कौन से मेटल स्क्रैप है, जो हेडिंग, जो आपके हेडिंग किस में फॉल करते हैं, 72 से लेके 81 तक के चैप्टर हेड में। यानी जो एक कॉमन सवाल चल रहा है कि अगर मेरा मेटल ज्वेलरी आइटम है, गोल्ड है, सिल्वर है, एक्सेट्रा, तो क्या उस पे भी आ गया है। तो दोस्तों, पहली चीज तो वर्ड क्या है, स्क्रैप और मेटल दोनों को साथ में पढ़ना है। स्टिल क्लैरिटी के लिए मैं आपको हेडिंग में बता देती हूँ, आयरन एंड स्टील, आर्टिकल्स ऑफ आयरन और स्टील, कॉपर आर्टिकल्स, निकल आर्टिकल्स, एल्यूमिनियम आर्टिकल्स, लेड आर्टिकल्स, जिंक आर्टिकल्स, टिन आर्टिकल्स और बाकी और बेस मेटल्स जो हैं, ये सब अगर आप इनमें डील कर रहे हो, इन चैप्टर हेडिंग्स में डील कर रहे हो, तब आप पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आया है। और कब से ये एप्लीकेबल हो गया है, 10 अक्टूबर 2024 से। अब किस केस में एप्लीकेबल हुआ है, अगर आपने एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से खरीदा, यानी सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड है और बायर आपका रजिस्टर्ड है। अब इसको मैं एक बारी एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको दिखा देती हूँ कि 10th अक्टूबर से क्या क्या चेंजेस है। अगर आप एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीद रहे हो और आप खुद भी अनरजिस्टर्ड बायर हो, तो जी दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, आप GST से बाहर हो। अनरजिस्टर्ड सप्लायर है लेकिन बायर रजिस्टर्ड है, तो 10 अक्टूबर 2024 से इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लाया गया है। कौन से चैप्टर हेडिंग के लिए, वो मैंने आपको बता दिया, 72 से 81 तक, ठीक है। तो उन सभी मेटल स्क्रैप्स पे आपका GST RCM लग जाएगा, और वही चीज मैंने यहाँ पे बताई है। अब अगर आप एक रजिस्टर्ड सेलर से परचेज कर रहे हो और आप एज अ बायर अनरजिस्टर्ड हो, तो भी इस ट्रांजैक्शन पे GST लगेगा, बट वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा, यानी सप्लायर टैक्स करेगा उसे 18%। पर चेंज अब दूसरी किस ट्रांजैक्शन में है कि सामने वाला सप्लायर भी रजिस्टर्ड है और मैं एज अ बायर भी रजिस्टर्ड हूं, तो लगेगा तो टैक्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, बट अब इस पे TDS भी लगेगा। TDS कौन सा, GST वाला जो नया आया है, ठीक है। नया यानी इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे GST में TDS लगेगा 10th अक्टूबर 2024 से। तो दो ट्रांजैक्शन जिनमें चेंजेस आए हैं, वो पहली ये है कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, बायर रजिस्टर्ड है, तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ जाएगा। दूसरे ट्रांजैक्शन के दोनों पार्टीज रजिस्टर्ड हैं, तो आप पे TDS लग जाएगा। तो दो जो सिचुएशन जिन पे नई कंडीशंस आई हैं वो ये हैं। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें सवाल क्या उठता है कि मैम हमें इनवॉइस कब रेज करना है। तो दोस्तों, सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 क्लॉज F कहता है कि जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हो गए हैं, उस दिन आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर आपकी ट्रांजैक्शन फॉल कर रही है, तो उस दिन आपको टैक्स इनवॉइस जो है इशू करना है। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में क्या होता है, सेल्फ इनवॉइसिंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेल्फ इनवॉइसिंग आप कब करोगे, जिस दिन आपने वो मेटल स्क्रैप रिसीव कर लिया है, ठीक है। और ये कब मैं बात करूं, जब अनरजिस्टर्ड सप्लायर भी हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, जिस दिन आपने गुड्स रिसीव कर लिए हैं, तो आपको उसी दिन टैक्स इनवॉइस, यानी जो सेल्फ इनवॉइसिंग आपको करनी है, आपको इनवॉइस इशू करना होगा। आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किए, उसी दिन आपने, नो डाउट आपने इशू कर दिया होगा टैक्स इनवॉइस।
थर्ड केस इसी के अंदर एक और जो कंडीशन आ जाती है टाइम ऑफ सप्लाई में, विच एवर इज अर्लियर है. फर्स्ट केस जो मैंने आपको बताया इसके अंदर रिसीट ऑफ गुड्स, सेकेंड इज जिस दिन आपने पेमेंट करी है सप्लायर को या फिर उस पेमेंट की डिटेल्स आपने अपनी बुक्स में एंटर करी है, ठीक है, और 30 डेज फॉलोइंग द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस. इनवॉइस कब इशू किया आपने? जब आपका गुड्स रिसीव हो गए. तो इस हिसाब से आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, आपका डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस आपको पता चल गई है, और अकॉर्डिंगली आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको टैक्स पे करना है और आप उसका ITC क्लेम कर सकते. एक सवाल दोस्तों ये आता है कि मैं एज अ बायर रजिस्टर्ड बायर तो हूं बट मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में हूं, तो अगर मैंने ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मैंने टैक्स पे किया तो मुझे उसका ITC मिल जाएगा? जी नहीं, कॉम्पोजिशन स्कीम में तो क्लियर कट है कि आपको ITC मिलेगा ही नहीं. जब मिलेगा ही नहीं तो कोई भी RCMP ट्रांजैक्शन हो आपको उसका ITC क्लेम ही नहीं कर सकते हो आप. तो यहाँ पे ये डाउट भी क्लियर हो जाता है हमारा. अब मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, अब TDS कब लगा? दोस्तों यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है हमारी नोटिफिकेशन नंबर 25, जिसने इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रजिस्टर्ड पर्सन से टू, मतलब यहाँ दोनों रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, बायर भी सेलर भी, उस सिचुएशन में मेटल स्क्रैप के केस में आपका TDS आ गया है. और ये बात किसने कही है? नोटिफिकेशन नंबर 25/2024. और ये कब से आ जाएगा? 10 अक्टूबर 2024 से. अब इसमें क्या है दोस्तों, इसी बात को अब हम आगे लेके जाते हैं. पहली चीज, जब ये ट्रांजैक्शन हो रही है, सपोज कीजिए ये बायर है ये सेलर है, ठीक है, सेलर को पेमेंट करते वक्त बायर पेमेंट डिडक्ट करेगा, TDS डिडक्ट करेगा. कितना TDS डिडक्ट करेगा? 2% का TDS डिडक्ट करेगा, 1% CGST, 1% SGST या फिर 2% ऑफ IGST वो डिडक्ट करेगा. अब ये डिडक्शन किस अमाउंट पे होगी? टैक्सेबल वैल्यू पे होगी. सपोज कीजिए सप्लायर ने 10 लाख का माल दिया इस बायर को, 10 लाख प्लस 18% यानी 11,80,000. कितनी पेमेंट अब बायर करने वाला है सेलर को? 10 लाख का 2% उसको काट देना यानी 20,000. तो नेट पेमेंट अब जो बायर करने वाला है सप्लायर को वो होगा 11,60,000. तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा, किसने डिडक्ट करना है, कितने रेट पे डिडक्ट करना है, किस अमाउंट पे डिडक्ट करना है. अब जब ये डिडक्ट करेगा तो जो बायर है एक GSTR 7A में एक सर्टिफिकेट भी देगा सेलर को साथ में. अब जो ये अमाउंट डिडक्ट हो गया है ये सेलर को कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? उसके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा. अब जैसे ही ये अमाउंट कैश लेजर में उसको रिफ्लेक्ट करेगा तो जो भी उसकी आउटपुट लायबिलिटी है सेलर की वो उसके अगेंस्ट उस अमाउंट को यूज कर सकते हैं. बट अगर उसकी लायबिलिटीज नहीं बनती हैं तो ऐसे सिचुएशन में वो उसका रिफंड भी क्लेम कर सकता है. मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, अब जो ये बायर है जिसपे ये TDS की इम्प्लीकेशन आ गई है उसको क्या करना होगा? उसको एज TDS डिडक्टर एक नई रजिस्ट्रेशन लेनी होगी. अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल रिटर्न्स जो वो भर रहा है GSTR 1, 3B या कॉम्पोजिशन डीलर है तो, उसके अलावा भी उसको एक GSTR 7 TDS की रिटर्न भरनी होगी जो कि हर महीने की नेक्स्ट फॉलोइंग 10th तक आपको भरनी होगी. उसमें अगर आपकी ट्रांजैक्शन है तो भी आपको डिटेल फाइल करनी है, और अगर आपकी नील की रिटर्न है तो भी आपको GSTR 7 फाइल करनी होगी. दोस्तों इसी रिस्पेक्ट पे एक और नई एडवाइजरी आई है. GSTN पोर्टल पे आप देख सकते हैं 22 अक्टूबर यानी कल ही एडवाइजरी REG 7 के रिस्पेक्ट में आई है जो कह रहा है कि क्योंकि अब मेटल स्क्रैप डीलर्स को जो रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड यानी B2B ट्रांजैक्शंस में है अब उनको TDS काटना होगा तो उनको REG 7 की रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी. अब वो रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में दिस अपडेट फॉलोज द न्यू GST प्रोविजन फॉर मेटल स्क्रैप बायर्स एज आउटलाइंड इन द एडवाइजरी इशूड ऑन October 13. उस एडवाइजरी में क्या कहा था, क्योंकि अभी नए प्रोविजन आ गए तो GST पोर्टल पर रिक्वायर्ड चेंजेस किए जाएंगे. अब वो चेंजेस इसमें बात करी गई है. The taxpayer in this category, they are required to select others in Part B of Table 2 under Constitution of Business Section. अभी किस तरह से दिखेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए इन्होंने और उसको elaborate किया है तरीके से. ये देखिए advisory. In pursuance of advisory on October 13, की नया जो provision आया metal scrap transactions के लिए, अब आपको एक TDS की registration भी लेनी पड़ेगी. इसी registration के अंदर Part B में जहाँ आपको Constitution of Business डालना होता है, ठीक है, वहां पे आप इस तरीके से आप अदर सेलेक्ट करेंगे. एंड दिस सिलेक्शन विल ओपन अ टेक्स्ट बॉक्स वेयर टैक्सपेयर इट मस्ट एंटर द मेटल स्क्रैप डीलर्स. अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ. प्लीज नोट दैट दिस एंट्री इज मैंडेटरी फील्ड फॉर दोस सेलेक्टिंग अदर्स एंड वंस इट इज कंप्लीटेड द रिमेनिंग टेबल इन GSTR 7 फॉर्म मस्ट बी फिल्ड एंड सबमिटेड ऑन द कॉमन पोर्टल. यानी सिंपल सीधी सी बात है, आपको सारी चीजें वैसे ही रखनी है बस, लेकिन अब जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में सिलेक्ट करना है
वहां पे आप अदर्स में जाएंगे, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में आप अदर सेलेक्ट करेंगे और इधर आप मेटल स्क्रैप डीलर्स आप डालेंगे और तभी आपको फिर आगे फर्दर अपने जीएसटीआर 7 आरईजी फॉर्म भरना है ताकि आपके टीडीएस की रजिस्ट्रेशन हो सके। इसमें मैम लेट फीस क्या लगने वाली है? लेट फीस दोस्तों वही ₹50 पर डे के हिसाब से आपकी लग जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 2000। अब इंटरेस्ट क्या रहेगा? 18% पर एनम। इसमें हमारे पास दो एक्सेप्शन आ जाती है। क्या एक्सेप्शन है दोस्तों? अगर बायर सेलर का जो कॉन्ट्रैक्ट है या पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं, अगर 2.5 लाख से ऊपर की आपकी ट्रांजैक्शन जाती है तो आपको टीडीएस काटना है, इससे कम की ट्रांजैक्शन है तो आपको टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी सिचुएशन कब आप पे टीडीएस लागू नहीं होगा? अगर आपकी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है वो सेम स्टेट है लेकिन जो आपका रिसिपियंट है वो रजिस्टर्ड है किसी और स्टेट में, तब उस सिचुएशन में भी आपको टीडीएस नहीं काटना। फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो बायर है वो हरियाणा का है, सप्लायर मेरा दिल्ली का है, बायर ने कहा कि जी ये माल आप मेरे दिल्ली में ही आप डिलीवर कर दो, तो जहां पे आप डिलीवर किया वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, यानी दिल्ली ही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया और लोकेशन ऑफ सप्लायर भी दिल्ली है, लेकिन मेरा रिसिपिएंट कहाँ है? हरियाणा का है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं। तो दोस्तों आई होप ये सिचुएशन पहली चीज तो आपको क्लियर हुई होगी कि कब आपको टीडीएस काटना है, कब आपको टीडीएस नहीं काटना है। अगर आपने टीडीएस काटा तो किस तरह से आपको उसकी रिटर्न भरनी है, कौन सा सर्टिफिकेट आपको देना है अपने सप्लायर को और जो वो अमाउंट डिडक्ट हुआ है तो वो सप्लायर उसको कैसे यूज कर सकते। एक और बहुत बड़ी नोटिफिकेशन इसी से पर्टेन करती हुई क्या आती है दोस्तों, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन नंबर 24/2024। जीएसटी में कहा गया था कि अगर आपका कंप्लीट जो सप्लाई है वो आरसीएम में कवर हो रही है और आप केवल वही सप्लाई कर रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में एज पर सेक्शन 23 आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे अगर बात आती है जो फर्स्ट केस की मैं बात करती हूँ कि भाई अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, रजिस्टर्ड बायर है और बायर को आरसीएम में पे करना है, यानी उसकी वो सप्लाई क्या हो गई, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर हो गई। अब पहले 10 अक्टूबर से पहले बात करें तो अगर इसकी टर्नओवर मेटल स्क्रैप की चाहे 5 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 15 करोड़ हो, कुछ भी हो, उसको नहीं लेना था जीएसटी रजिस्ट्रेशन। लेकिन अब क्या सिचुएशन हो गई है कि अगर उसकी ट्रांजैक्शन आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाती है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अब आपको चाहे आपकी ट्रांजैक्शन रिवर्स चार्ज में ही क्यों ना कवर्ड हो लेकिन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नाउ वंस यू हैव टेकन द रजिस्ट्रेशन तो आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट सिनेरियो से हटके आप नीचे आ जाओगे, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो जाओगे और आपकी सारी ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कवर हो जाएगी। तो दोस्तों मेटल स्क्रैप डीलर्स के केस में आई होप आपको कंडीशंस और जो भी नए नए प्रोविजंस एप्लीकेबल हुए हैं वो समझ तो आ गए होंगे। कोई भी इश्यू या कंसर्न है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।